सुप्रभात, कक्षा चाची हिंदी व्याकरण के पहले अध्याय में आपने भाग ए का कल पढ़ा था। आज आपको भाग दो में बताएंगे लिपि और व्याकरण के बारे में। तो आपने भाग एक में जो भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के रूप में मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो अब आपको क्या पढ़ना है? भाषा। तो सबसे पहले देखेंगे आप लिपि। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। तो आपको बता दें 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को घोषित किया गया था। तो हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है, लिखने की। जैसे आप देख रहे हैं पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। केरल, मलयालम में, बांग्ला, बंगाली में, गुजराती, मराठी, हिंदी और संस्कृत, इन सबकी लिपि क्या होती है? देवनागरी। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसके बाद आपको देखेंगे देश में अनेक भाषाएं विदेशी भाषाएं भी हैं, जैसे फ्रांसीसी, चीनी। तो फ्रांसीसी में रोमन, चीनी में चीनी की लिपि रहती है। तो इस प्रकार से हर भाषा की लिपि अपनी अलग अलग होती है और ये लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। इसके बाद आप क्या देखेंगे? भाषा और बोली। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। इसे किसी भी जगह में कम से कम रूप में बात किया जाता है, वही भाषा बोली कहलाती है। भाषा और बोली। हिंदी उत्तर भारत की भाषा है। जो हिंदी भाषा है उत्तर भारत की भाषा है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस जगह हिंदी भाषा बोली जाती है। और एक होती है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है? दो स्थानों के बीच में जो हम अपने बातों को, विचारों को आदान प्रदान करते हैं, वो कहलाती है संपर्क भाषा। तो इस प्रकार से आपको पहले अध्याय में भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं और लिपि किसे कहते हैं, किस भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है और बोली क्या है, और इसके बारे में आपको इस बारे में पढ़ना है और संपर्क भाषा क्या है। तो आप शुरू से पूरा इस पाठ को एक बार सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ये पाठ अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।